Good morning, dear students and all respected parents. Hope you all are well at home and doing your work regularly and properly. So, beta, as you know that we are doing our grammar topics and today about active and passive voice. Today we will discuss. आज हमारा जो discussion का topic है वो है active and passive voice. So, first of all, you have to know what is a voice. पहले आपको ये जानना जरूरी है कि voice होता क्या है. तो देखिए, एक बात को दो तरीके से कहा जाता है लेकिन उसका मीनिंग सेम होता है. एक, जब कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है. देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको, हरी किल्ड ए स्नेक. हरी ने एक सांप, ठीक है, हरी ने एक सांप मारा. तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, हरी. तो काम किसके द्वारा किया गया है, हरी के द्वारा. तो सब्जेक्ट के द्वारा यदि काम किया जाए तो वो होता है हमारा एक्टिव वॉइस. ठीक है बेटा, समझ गए होंगे. देयर आर टू वॉइसेस, यहाँ पर दो वॉइस होते हैं. एक तो वॉइस क्या होता है, जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया गया है, डायरेक्टली ये बताया गया है कि सब्जेक्ट ने ये काम किया है, तो वो होता है एक्टिव वॉइस. और जब सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के लिए कुछ काम हुआ है तो वहां पर आता है हमारा पैसिव वॉइस. देखिए यहाँ पर देखिये, ए स्नेक वॉज किल्ड बाय हरी, यानी एक सांप मारा गया किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, यानी हरी के द्वारा. तो यहाँ पर क्या है, या तो सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के लिए कुछ वर्क हो रहा है, यानी सब्जेक्ट ने क्या किया है, ए स्नेक वॉज किल्ड, एक सांप मारा गया है हरी के द्वारा. ठीक है, डायरेक्ट ये सब्जेक्ट एक्टिव ना होकर वर्ब के थ्रू बताया गया है कि आखिरकार सब्जेक्ट ने किया क्या है. ओके, समझ में आ गया है. वॉइस वो होते हैं जिसमें जो वर्ब है, पहली बात, जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाए, वर्ब की जाए, कोई भी काम हो रहा है, क्रिया की जा रही है, तो वो एक्टिव वॉइस है. जब काम के थ्रू यानी सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के लिए कुछ वर्क वहां पर शो किया जाता है तो वो होता है हमारा पैसिव वॉइस. होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. मैं एक बार आपको बता देती हूँ. देखिये, हरी हमारा सब्जेक्ट है, किल्ड हमारी वर्ब है और ए स्नेक हमारा ऑब्जेक्ट है. जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, जब हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है सब्जेक्ट में. ठीक है, वर्ब में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. ठीक है बेटा, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले हम बाई का यूज करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं. तो ये रूल होता है चेंजिंग करने का, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का. देखो जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ए स्नेक. ए स्नेक आपका सब्जेक्ट हो गया है. अब किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा वॉज या वर्ब में चेंज होती है. तो यहाँ पर ए स्नेक सिंगुलर है इसलिए वॉज आया है, किल्ड का किल्ड क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बाय हरी, हरी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगा दिया है, बाय लगा दिया है. ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया है कि कैसे हमने इसको चेंज किया है. ये हमारी वर्ब हो गई है, बाय यूज किया गया है और बाय के बाद सब्जेक्ट को क्या बना दिया है, ऑब्जेक्ट बना दिया है. ठीक है, अब देख लीजिए. सबसे पहले गोल्डन रूल समझिए. गोल्डन रूल्स क्या है इसके, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का. एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट. लेकिन पैसिव वॉइस की जो सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ओके, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. ठीक है, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट. ओके बेटा, ऑब्जेक्ट यहाँ का सब्जेक्ट हो गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद बाय है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दिया. तो ये है हमारा स्ट्रक्चर एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का और पैसिव वॉइस सेंटेंस का. ठीक है, कैसे चेंज करना है. और यहाँ पर कुछ वर्ड आपको दिखाए गए हैं, जैसे समबडी, एवरीबडी, दे, पीपल, आर, ड्रॉप, यानी जहां पर आपको सेंटेंस में एज एन सब्जेक्ट समबडी, एवरीबडी, दे या पीपल दिया हो तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बाय के बाद उन्हें यूज करने की जरूरत नहीं है, उनको हम ड्रॉप कर देते हैं, बाय और प्लस में ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे, फिर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट सेंस देगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस.
कुछ रूल्स हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। टेंसेस का ये चार्ट है हमारा, ठीक है, कैसे टेंसेस को चेंज किया जाता है। माना ये देखे आपने किल्ड देखा तो ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस है। पास्ट इनडेफिनेट को आपने कैसे चेंज किया है, वॉज या वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया है, ठीक है, यानी पास्ट इनडेफिनेट को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया है, ठीक है। कंटिन्यूअस तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। तो ये देखें यहाँ पर रूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यदि आपको एक्टिव वॉइस में दिया है तो पैसिव वॉइस में उसमें आप वर्ब की जगह पर इज एम आर और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। देखें यहाँ पर सेंटेंस, ही हेल्प्स मी, यहाँ पर हेल्प्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे आई एस यानी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। ही हमारा सब्जेक्ट है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मी और ही ये हमारे प्रोनाउंस है। तो प्रोनाउन की एक टेबल होती है, आपको पता है थ्री पर्सन होते हैं प्रोनाउंस में, जो टेबल होती है उसमें थ्री पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आपका क्या होता है, फर्स्ट पर्सन है हमारा आई और वी। तो जब हम एज एन सब्जेक्ट यूज करेंगे तो आई और वी होगा सब्जेक्ट में, लेकिन जब हम उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देखिए आपकी टेबल होती है आई माय मी वी अवर अस, तब ये हमारे आई और वी सब्जेक्ट है तो वो जाके ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मी। यदि मी ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट में बनकर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। सेकंड पर्सन है हमारा यू, वा यू, योर, यू। थर्ड पर्सन है हमारे ही, सी, ही, सी, इट और दे। इनको ओपन करके हम पूरी डिटेल में बताएं तो ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। तो ये हमारा प्रोनाउंस का चार्ट है। तो प्रोनाउंस के चार्ट में जब हमें एज एन ऑब्जेक्ट मी दिया है तो जब हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हमेशा एज एन सब्जेक्ट यूज होते हैं और ये हमेशा एज एन ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आ गई होगी प्रोनाउन की टेबल कि हमेशा आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट ये सभी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं और मी, अस, यू, हिम, हिज, हर, इट, देम ये हमेशा एज एन ऑब्जेक्ट आते हैं। अभी सेंटेंस में देखो, ही हेल्प्स मी, उसने मेरी मदद की या वो मेरी सहायता की थी, उसने ये लगा लीजिए उसने मेरी सहायता की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है, आपने यहाँ पर देखा ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आई, तो मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में, आई। अब हेल्प्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म को आपने किस में चेंज करना है, इज, एम, आर में। एम आपको पता है आई के साथ एम लगता है और सिंगुलर्स के साथ इज और प्लूरल के साथ आर लगता है, तो आई एम हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड बाय। अब ही है, ही में सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम, बाय हिम और एंड में फुल स्टॉप, आई एम हेल्प्ड बाय हिम, ओके। देखो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज या वर्ब में चेंज होती है, इज एम आर हमेशा इज एम आर प्लस में बीइंग लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया होता है तो वॉज वर्ब प्लस में बीइंग, हैज, हैव या हैड दिया होता है तो उसके साथ हम बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कोई भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब दी हुई है आपको, शैल, विल, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, इन सभी के को आपको पता है मॉडल्स के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन मॉडल्स के साथ हम बी लगाकर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस है देख लेते हैं, ही इज प्लेइंग हॉकी, तो ही इज प्लेइंग हॉकी आपने यहाँ देखा है इज एम आर चेंज किस में होते हैं, इज एम आर प्लस में बींग में। तो देखिए सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट को आप कैसे लेकर आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हॉकी इज, इसके साथ बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, आप ये ध्यान रखना पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, बीइंग प्लेड बाय। अब देखिए ही है,
ही सब्जेक्ट है, तो ही सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए हमारा, हिम, बाय हिम। ओके, समझ में आ गया है सेंटेंस। नेक्स्ट देखें, ही हैज स्टोलन माय पर्स। अब हैज, हैज है और हैड, इनको जब आप चेंज करते हो तो हैज है हैड के साथ बिल लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो आप देखिए, माय पर्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ही हमारा सब्जेक्ट है, तो माय पर्स आगे आएगा तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, क्या हो जाएगा, माय पर्स हैज, हैज के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो स्टोलन बाय और ही का क्या हो जाएगा, हिम। और यदि यहां पर सी होता तो सी का क्या हो जाता, हर। यदि यहां आई होता तो आई का क्या हो जाता, मी। ठीक है, वी होता तो वी का अस। तो आई टुक टी यस्टरडे, तो आई इसमें सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है हमारा टी, तो टी को हम आगे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, टी टुक। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब आपने यहाँ पर देखा है रूल के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, वॉज या वर्ब में। अब टी सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वॉज, टी वॉज टेकन, टी ए के ई एन, टेकन बाय आई है, तो आई एज इन सब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनना चाहिए, मी, टी वॉज टेकन बाय मी, और लास्ट में यस्टरडे। ओके, और लास्ट सेंटेंस है, हम एक मॉडल का सेंटेंस भी समझ लेते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको, यू कैन पार्क द कार हेयर या फिर देयर, तुम कार को पार्क कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो अब कैन है, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं, लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि देखिए, द कार, कार हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट में चेंज किया, कैन बी, और पार्क की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पार्क देयर, यू लगाने की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि हमारे सेंटेंस की कंप्लीट सेंस आ रही है। तो इस तरीके से आपको जो सेंटेंसेस हैं उनको सॉल्व करना है और घर पर प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, होप आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक कि क्या होता है वॉइस, जब सब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट सब्जेक्ट से बताया जाए कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया तो वो एक्टिव है, यदि सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जा रहा है तो वहां पर क्या डिनोट किया जाता है, पैसिव वॉइस। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है दोनों का, एक्टिव वॉइस का भी, पैसिव वॉइस का भी। फिर आपको टेंस का चार्ट बनाना है, वो समझ में आ गया होगा आपको कैसे उसको चेंज करना है, और इसके बाद प्रोनाउंस का भी आपको एक चार्ट बनाना होगा जिसके थ्रू आपको हमेशा याद रहे कि सब्जेक्ट एज एन सब्जेक्ट, यदि आई है तो उसका ऑब्जेक्ट मी होगा, वी है तो उसका ऑब्जेक्ट एस होगा, यदि ऑब्जेक्ट में हमें हर दिया हुआ है तो उसको सब्जेक्ट बनाते हुए सी लिखेंगे। ओके बेटा, तो घर पर प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।